सो हाँ यार, बिल्कुल तुमने सही पढ़ा। वीडियो का टाइटल दैट इज़ एम कैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और इसकी वजह से और भी एग्जाम्स लाइक को क्यूब्स या फिर ई लिटमस हमारे से पैसा ले रहे हैं पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यार इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पैसा बच जाए। ठीक है, सो हाई गाइज, माई नेम इज़ रोहन और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, मैंने खुद एम कैट एग्ज़ाम 2 बार दिया है और मैंने दोनों में ही अबाउट 90% स्कोर किया था। ठीक है, तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार मैंने एम कैट एग्ज़ाम क्यों दिया था। ठीक है, सो एम कैट क्या करता है कि कॉलेजेस में जाता है और वहाँ पे बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है टू गिव दी एम कैट एग्ज़ाम। ठीक है, तो यार मैं भी उस समय सेकेंड ईयर में था जब एम कैट कॉलेज में आई थी, तो उन्होंने एक सेमिनार रखा था और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि वाई एम कैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि इसके थ्रू तुम्हें कंपनीज में अप्लाई करने का मौका मिलेगा और फर्दर तुम एक एक बढ़िया जॉब, समझ रहे हो, एक बढ़िया जॉब ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सब लोगों ने, जितने भी बच्चे बैठे थे वहाँ पे, एम कैट ने उनको डिस्काउंटेड ऑफर दिया। ठीक है, कि 700 रुपये में हम तुम्हें 3 एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर तुम वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो अबाउट 1000 प्राइस है फॉर 1 एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और काफ़ी सारे बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, एक तरह से अगर मैं बताऊँ तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हमारे 62 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 60 × 700 देख लो कितना होता है। ठीक है, इतने उन्होंने वहाँ से पैसे कमा लिए। तो अब हुआ क्या, एम कैट बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो पता है कितने पैकेजेस की हैं, 1 LPA है, 2 LPA है, 3 LPA है। ठीक है, ये तो मोस्टली जॉब दिखेंगी और तुम्हें कुछ कुछ जॉब दिखेंगी जो कि 6 LPA और अबाव का पैकेज दे रही है। ठीक है, बट वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप कितना भी अच्छा है एम कैट में स्कोर कर ले तब भी आपको एम कैट के थ्रू जॉब नहीं मिलेगी। इसके चांसेस पता है कितने हैं, 99%। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एम कैट के थ्रू जो आप अप्लाई करते हो जॉब्स में तो कंपनीज आपकी एप्लीकेशंस को जनरली रिव्यू भी नहीं करती। ठीक है, तो जनरली वो पड़ी रह जाती हैं सालों साल तक। ठीक है, फर्स्टली ये रीज़न है। दूसरा है कि यार एम कैट के स्कोर पे लोगों को बिलीव नहीं होता कि यार इसने एम कैट में इतना स्कोर किया है दैट ही इज़ एक्चुअली अ जेन्युइन या फिर अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, तो मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, खुद के ही एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, जिसको हम ऑफ कैंपस एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो यार मेजरली जो कंपनीज एम कैट पर अवेलेबल हैं वो सारी की सारी, अगर मैं कहूँ तो, बेकार हैं। और जो जॉब रोल जो ऑफर करती हैं वो बेसिकली आर नॉट दैट मच गुड। ठीक है, किस तरह के जॉब रोल्स, जैसे कि सेल्स प्रोफाइल या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट प्रोफाइल। तो यार अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर अगर आप एक बढ़िया कंपनी में जॉब लेना चाहते हो तो एम कैट इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म टू अप्लाई फॉर। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, तो प्लीज़ एम कैट या फिर इस तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे ई लिटमस या फिर को क्यूब्स एग्जाम मत दो। इसकी बजाय आप खुद से कंपनी की पोर्टल पे अप्लाई करो किसी भी कंपनी के, और उनका जो इंडिविजुअल एग्जाम्स जो होते हैं वो आप दो। सो गाइस, अब यार कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में डाउट आएगा कि यार मैं एक नॉन कोर ब्रांच से हूँ या फिर मैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे बहुत कम कंपनीज आती हैं, तो मैं क्या करूँ। तो यार उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ऑफ कैंपस अप्लाई कीजिए, बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कीजिए, आपको पक्का एक जॉब ऑफर जरूर मिलेगा अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है तो। ठीक है, तो यार मैं अपना पर्सनल, अगर मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो, कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे एक कंपनी से PPO मिल गया था। ठीक है, एंड दैट वाज आई थिंक फाइन, उसका पैकेज ठीक ठाक था। बट उसके बाद फिर मुझे कॉलेज में जिस भी मैं कंपनी में अप्लाई करता था तो वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है, जितने भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं इस चैनल पे, और आगे और बढ़िया कंपनीज़ के एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं जिनमें मैंने इंटरव्यू दिया है एंड मोस्टली कंपनीज़ में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। ठीक है, सो गाइज, मैं मतलब ऑफ कैंपस सारे के सारे मैंने अप्लाई किया था और मुझे बेसिकली उसमें जो मेन फैक्टर लगा ऑफ कैंपस में, अगर आपको सेलेक्ट होना है या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए ही शॉर्टलिस्ट हो जाओ, तो वो था आपका रिज्यूमे। तो अपना रिज्यूमे जितना बढ़िया बनाओगे उतना ही बेटर रहेगा, जितना मेहनत आप अपने रिज्यूमे पर करोगे उतनी आपको बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि प्लीज़ ऑफ कैंपस अप्लाई करो और एम कैट और इन सब प्लेटफॉर्म जैसे ई लिटमस को क्यूब्स पे आप पैसा वेस्ट मत करो।